तो क्या आप लोगों को कल की मंडे नाइट रॉ के लिए होना चाहिए एक्साइटेड? क्या उसमें होने वाला है कुछ बड़ा? ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया, और कल होने वाली है मंडे नाइट रॉ 1 जुलाई 2019, और ये होगा पहला शो जब पॉल हेमन है मंडे नाइट रॉ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि क्या हमको कल के शो के लिए एक्साइटेड होना चाहिए? क्या कोई ऐसी बड़ी चीज शो में होने वाली है, या फिर कल के शो में कोई हमें चेंज देखने को मिलेगा WWE की तरफ से? मुझे लगता है कि गाइज आप लोगों को इस शो के लिए जो है वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात हम देख लेते हैं शो के लिए अनाउंस क्या क्या है। तो पहली चीज है बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन, एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच, एक ऐसी फ्यूड जहां पे दो सुपरस्टार्स आपस में टग ऑफ वॉर का कंपटीशन कर रहे हैं, और फिर जब पेपर व्यू आता है तो दोनों ही गायब हो जाते हैं, दोनों का मैच नहीं होता। और अब जो भी छोटी मोटी बिल्ड WWE ने करी है उसकी वजह से जो है एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच ऑफिशियल करा गया है। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलेगा न्यू डे अगेंस्ट द वाइकिंग रेडर्स, जो कि एक अच्छा मैच होना चाहिए मेरे हिसाब से, एक टैग टीम मैच के हिसाब से अगर हम देखें, लेकिन फिर भी पे कोई सेंस नहीं बनती क्योंकि वाइल्ड कार्ड रूल जो है वो अभी भी चल रहा है, और अगर पॉल हेमन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो क्या वाइल्ड कार्ड रूल पे हमें कल कोई अपडेट मिलेगी या फिर नहीं, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने क्यों ऐसा बोला कि कल के शो के लिए हम एक्साइटेड नहीं होना चाहिए? तो गाइस वो इसलिए है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आते ही एकदम ही अनाउंसमेंट होते ही पॉल हेमन के पास इतना कंट्रोल आ जाए कि वो अपने हिसाब से सारी स्टोरी लाइंस को चेंज कर सके, तो ऐसा मुझे नहीं लगता होने वाला है। और अगर कल शो में कुछ ऐसा होता है कि WWE बिल्कुल हमें वाइल्ड कार्ड रूल अपडेट देती है कि अब ये खत्म हो चुका है, या फिर कोई भी और चीज जिसकी वजह से शो ओवरऑल अच्छा होता है, तो मैं तो यहां पे आके खुद बोलूंगा कि शो जो है वो बेटर हुआ है, लेकिन उसकी होने की पॉसिबिलिटी मुझे बिल्कुल नहीं लग रही है एकदम से कि आएंगे पॉल हेमन और अपना कंट्रोल लेके जो है एकदम से शो को अच्छा बना देंगे, तो ऐसा होने नहीं वाला। तो एक्सपेक्टेशन जो है मंडे नाइट रॉ से कल बहुत ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि फिर बाद में जो हमें शो देखने को मिलेगा हम उसकी बुराई करें, इससे बढ़िया है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशन पहले ही लो रखें। और दूसरी चीज ये है यहां पे कि पॉल हेमन गाइस अभी जस्ट आए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रोल में, तो मेरे हिसाब से वो खुद भी टाइम लेंगे, ऐसे फटाफट डिसीजंस नहीं करेंगे, और विंस मैकमैन के थ्रू सब कुछ जाना है, ये बात आप कभी भी नहीं भूल सकते। और इसी वजह से जो है मेरा इंटरेस्ट इस अनाउंसमेंट को सुनने का आधा हो गया था जब मैंने ये लाइन पढ़ी कि विंस मैकमैन जो है वो अभी भी सारे के सारे फाइनल डिसीजंस लेंगे, और ऐसा हो सकता है कि अगर पॉल हेमन कुछ करना चाहे तो विंस मैकमैन उसको करने के लिए मना कर दें। तो ये चीज काम किस तरीके से करेगी बैक स्टेज गाइस, वो तो मंडे नाइट रॉ होने के बाद शायद हमको पता लग सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ज्यादा ऊपर ना रखें, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला कि इस डिसीजन की वजह से और पॉल हेमन और एरिक बिशॉफ के आने की वजह से अचानक से ही हम वापस एटीट्यूड एरा में चले जाएंगे और WWE जो है वो ऐसे रातों रात ठीक हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, तो ऐसा होने का जो चांस है वो बहुत ही ज्यादा कम है, और टाइम लगेगा इस चीज को अगर अच्छा बनाना भी चाहते हैं WWE वाले। और अब कुछ हफ्ते अगर हम मंडे नाइट रॉ के आने वाले देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि एक्चुअली में क्या कोई चेंज करने के लिए वहां पे है भी, या फिर ये डिसीजन सिर्फ एक ऐसा डिसीजन था ताकि जो WWE के स्टॉक होल्डर्स हैं और बाकी लोग जो हैं फैंस जो हैं वो थोड़े टाइम के लिए एक्साइटेड हो जाए। और क्या विंस मैकमैन ने ये डिसीजन सिर्फ इसलिए लिया है कि अगर प्रोडक्ट खराब होता है तो उनको डायरेक्टली टारगेट करने के बजाय अब शायद लोग पॉल हेमन और एरिक बिशॉफ को कुछ बोलें? तो क्या है इसके पीछे असली रीजन, किस तरीके से काम करेगा, ऐसे हमें पता नहीं लगने वाला। और मैं आपको यही बोलने वाला हूं कि जो कल का शो होने वाला है वो नॉर्मल होने वाला है, वाइल्ड कार्ड रूल हमें देखने को मिलेगा, नॉर्मल सा कोई मेन इवेंट, 2 out of 3 फॉल्स के मैचेस जो हर हफ्ते में रॉ में देखने को मिल रहे हैं, और जो प्रोडक्ट है वो ऐसे चेंज नहीं होने वाला। तो कल के लिए शो जो होने वाला है आप उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना हो, और अगर ऐसे WWE अचानक से आके एक होम रन मारती है, एक छक्का लगा देती है और शो को अचानक से एकदम अच्छा कर देती है, तो वो सबसे बढ़िया न्यूज़ होगी सारे फैंस के लिए, लेकिन ऐसा होना जो है उसका चांस काफ़ी कम है। आप लोग अपने ओपिनियंस में मुझे बताएं कि क्या कल के शो के लिए आप एक्साइटेड हैं, क्या नहीं हैं एक्साइटेड, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।